हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वनडे मैथ्स जंगल पे सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। और आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, और एक्सरसाइज है ये 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना है, यही करना है। इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है लेंथ और ब्रेथ की, तो आपको इसमें फैक्टर्स करके इनकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। मतलब रेक्टेंगल्स की एक इक्वेशन दे रखी है एरियाज की, और आपको इसमें क्या फैक्टर करके निकालना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो अब इसका हमें फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर करने से पहले हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 35 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 35 को माइनस 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 तीन 36, 6 42, मतलब 420 आ जाएगा माइनस का। अब ऐसे इसके दो ऐसे फैक्टर निकाल लें जिसको हम प्लस माइनस करें, तो प्लस का 13 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 420 आना चाहिए। तो इसके जब हम फैक्टर निकालेंगे, 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, अब 3 से जाएगा, अब ये आपका 5 से जाएगा, फिर किससे जाएगा, 7 से जाएगा। तो इसमें कितने निकल के आए, 2 3 4 5, 5 फैक्टर निकल के आए, लेकिन हमें कितने बनाने हैं, 2 फैक्टर बनाने। तो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे अगर निकालें इसके, तो 7 5 35, 3 2 6 12, 35 में से अगर 12 घटाएंगे तो ये बनेगा नहीं, 2 2 4 5 20, 2 2 4 3 12, या 5 20 7 21, ये भी नहीं बनेगा, 15 13 28 होता है। हाँ, आप देखेंगे 15 7 2 14 2 28 ये बन जाएगा, और एक ये 5 3 15 ये बन जाएगा। तो आप 28 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप 28 में से 15 घटाएंगे तो प्लस का 13 बचेगा, और जब 28 को मल्टीप्लाई माइनस 15 से करेंगे कितना आता है, 15 8 120, 15 2 30, और 12 42, मतलब ये 420 आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर निकलेंगे 28 और 15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब ये कितना हो जाएगा, इसमें कॉमन कितना मिलेगा, सात वाई कॉमन मिल जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 5y प्लस 4। अब जब इसमें माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 आ जाएगा। ये इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 5y, 5y प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7y माइनस 3। तब आप इसमें देखेंगे जो एक पहली वाली चीज़ है, क्या एक लेंथ हो जाएगी, 5y प्लस 4, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, 7y माइनस 3, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो जो भी लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। Nee, maar het zijn er niet.